हिम्मत नूरुद्दीन शेख साहब है जो हमारे और आपके बीच में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। शहर और शहर के तौर सभी लोग जो है आपको बखूबी जानते हैं और आपके खिदमत समाजी मैदान में और इसी तरह से तालीमी मैदान में बहुत ही नुमाया है अल्हम्दुलिल्लाह और सबके सामने उजागर है। और इसी तरह से अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम के सदर जनाब आसिफ नूरुद्दीन शेख साहब जो हमारे फिरोज शेख साहब के भाई हैं उनके खिदमत भी आपके सामने हैं। खुसूसन अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम को जो मौजूदा हालात में तालीमी मैदान में जिस तरह से तरक्की पर हम देख रहे हैं वो उन्हीं की मरहूमी मिन्नत है। उनकी दूरंदेशी और उनकी प्लानिंग फ्यूचर प्लानिंग की वजह से जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है हज़ारों बच्चे जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। और इसी तरह से दूसरे हमारे मेहमान हैं मकामी जनाब आसिफ मुजाव साहब, इनके भी खिदमत जो है समाजी मैदान में रहे हैं। और इसी तरह से एक और मेहमान हमारे होंगे के जनाब अलहाज अली नज़ीरी साहब जो साबिक मिनिस्टर इंद्रगिरी साहब के फसल हैं वो भी यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं। और इसी तरह से हमारे समीउल्लाह मानीवाले साहब, उबैद कोतवाल साहब और हमारे सोसाइटी के दिगर मेम्बर भी यहाँ पर डाइस पर तशरीफ फरमा है। आज अल्फला एसोसिएशन और अल्फला बैतुल माल का एक सालाना इजलास हर साल यहाँ पर मुनक़द किया जाता है। मुख्तसर सर ये है कि तकरीबन आज से 10 साल कबल अल्फला एसोसिएशन की बुनियाद रखी गई जिससे ताजिर अफराद जो शहर बेलगाम में 100 लोगों को इसमें मेंबर बनाया गया और 20,000 रुपये उनसे दिए गए और 50,000 रुपये का लोन विदाउट इंटरेस्ट में दिया गया। और आज जो बंदे 50,000 रुपये लोन ले रहे थे 10 साल कब, आज वो बंदे जो है 5 लाख रुपये तक लोन ले रहे हैं। तो इस तरीके से एसोसिएशन्स के मातहत जो है एक विदाउट इंटरेस्ट जो हमारे कौम में जो इंटरेस्ट का मादा था वो दूर हो जाए, इसलिए इस साल जो है एसोसिएशन ने 3,46,98,889 रुपीस का जो है अल्हम्दुलिल्लाह टर्नओवर किया है। और इसका जो है 100% जो है कलेक्शन भी रिकवरी है। एसोसिएशन के मातहत जो है एक बैतुल माल बनाया गया, उस बैतुल माल में हमने ये देखा कि हर कारोबारी अफराद जो है अपने तौर पर माशाल्लाह वो स्टैंड होकर ठीक हुए हैं। जो गरीब आफ्टर सेकेंड ईयर पीयूसी के जिनके पास पैसे की किल्लत की वजह से वो आगे एडमिशन नहीं कर पाते हैं तो अलफला बैतुल माल की बुनियाद इसलिए रखी गई कि फर्स्ट टू सेकेंड ईयर अपने वालिदैन माँ बाप जो है उसे सिखा सकते हैं, लेकिन आफ्टर सेकेंड ईयर मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, पैरामेडिकल में हो या नर्सिंग कोर्स में हो, ITI में हो, डिग्री में हो, तो ऐसे बच्चों को जो है अलफला बैतुल माल के मातहत हम ये रकम जो है उन्हें देकर जो है और हम उस बैतुल माल से उसे कोई स्टूडेंट को कैश रकम नहीं देते हैं बल्कि डायरेक्ट उसको उसके कॉलेज के नाम से जो है चेक
मुहैया की जाती है। ज्यादा बतना लेते हुए जो बात आपको कहूँगा, हमने लास्ट यहाँ पे सब की ज्यादा करने वाले हैं, अभी की ज्यादा करने वाले भी हैं, आपकी ड्राई भी है, लास्ट दो साल हमने कैसे गुजारे हैं और यहाँ जाते हैं, जो भी इंतजार करने वाले कभी दुकान चारों तो कभी बंद, कभी मंडी ला रहा है तो कभी गिरा जा रहा है, बहुत बहुत हालात से गुजरे हैं हम सब, क्योंकि इसी तरह अल्लाह करते हैं कहीं ना कहीं से हमारी रोजी रोटी भी चलती रहती है। हम फॉर एजुकेशन सोसाइटी हम काफ़ी विस्तार से उनके सालाना जलसे में आते हैं और देखते हैं कि हर साल तरक्की होती जा रही है, और दुआ करते हैं कि ऐसे ही रोज की बात बच्चों के लिए और कौम के लिए करते हैं। सबसे पहले इदारे का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि इस नाशीस को आज आपने दावत दी है और मैं शिरकत फरमाना हूँ। ज़्यादा वक्त लाने के लिए मैं अपनी तकरीर को मुकम्मल करना चाहता हूँ। इस मौके पर मैं अजीम हस्ती का जिक्र करना चाहता हूँ, नाम नूरुद्दीन शेख साहब की, इसलिए ज़रूरी है कि मैंने बुज़ुर्गों से सुना हूँ उनके बारे में, जो उनकी कोशिशें रही हैं अंजुमन इस्लाम खड़ा करने में बलगाम ज़िला बलगाम में, कोई मिसाल नहीं है उसकी रोशनी के लिए या उससे मुतासिर के लिए कि ऐसे इदारे आज पहले बोल रहे हैं बेतुलमा में बला बेतुलमा इमारत खड़ी होने के बाद सब आते हैं, जब वो बनती है तो कोई नहीं रहता, वक्त वहाँ जो लगता है, वहाँ जो मेहनत मशक्क़त होती है वो बुज़ुर्गों को भी मालूम रहता है। मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह मेहनत नसीब फरमाए, और ये भी मैं दुआ करता हूँ कि आने वाले दिनों में मुसबिन में हमारे इदारे पूरे फिले और भी तरक्की करें, और मैं दोनों भाइयों का इतना शुक्रगुजार हूँ कि मैं सुनते रहता हूँ न्यूज़ वगैरह में देखते रहता हूँ कि कोविड में जो खुदमात अंजाम दिए हैं, और 10 साल जो फिरोज शेख साहब ने टेनोर में जो कौम की खिदमत करें उसका कोई मिसाल नहीं है। मैं ये कहते हुए मैं अपनी जगह लेना पसंद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, हालात से तो आप वाकिफ नहीं हैं, मगर सिर्फ हालात का बयान करके उसका इंतज़ाम और उसका हल निकालने की कोशिश ना करना भी एक बेदागी होती है और कमजोरी होती है और नहीं होना चाहिए। चाहे फिर न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स हो, टीवी चैनल्स के स्पोक्सपर्सन्स हो, मस्जिद में और मायकी मोहल्लों में जमात के बड़े हो, गलियों में या कमिटीज के बच्चे होनहार बच्चे हो, सबको यही सोचना है कि क्या ये हालात 10-20 साल पहले थे, और अगर नहीं थे तो ये दिन ब दिन क्यों बदतर होते जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है। क्या हम भी कुछ हद तक इसके ज़िम्मेदार हैं? हम अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हमारे पे इल्ज़ाम मत लगाइए, हम तो मासूम हैं, शरीफ हैं, हमारे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती होती होगी, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं, हमने औरों के बारे में ही बात करना पसंद ज़्यादा किया। आप अगर गौर करें एक बात पे कि हिंदुस्तान का मुसलमान चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, बेटी हो हमारी, ये बड़ी काम की चीज़ है,
खास करके फिरका मुस्लिम लोगों को, पार्टियों को मेरा इशारा तौर पर आपने कहा है, वो हमें गालियाँ देते हैं हिंदुत्व के साथ, उनको वोट मिलते हैं और जो हमारे को बचाने का वादा करता है उसको हमारे वोट मिलते हैं। अब हुआ क्या है, दोनों तरफ से थोड़ा 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 पीछे जा रहे हैं और लेकिन फ़ायदा और कामयाबी हमारे नौजवानों से काफ़ी।